अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आ जाया था ऊपर जी, फिर मैंने देखा तो हमारी माशाल्लाह कबूतरी मुझे लगता है थोड़ी ना बेहतर हुई है। तो चल के ना उसको ज़रा अंदर देखते हैं, वो अपना अंडों पर बैठी हुई है। तो चल के देखते हैं, जेगर हो गई है तो ठीक है, तो जेगर नहीं हुई तो हम फिर जाके इसकी दवाई लेके आएंगे। मैंने कल दवाई इसकी सोच ली है, तो मैंने अब इसकी वो दवाई लेके आनी है और उसको ज़रूर देनी है, क्योंकि ये दाना पानी बिल्कुल नहीं थी खा रही। इसको मैंने रात को हैंड फीड से इसको खिला पिला दिया था, हैंड फीड करा दी थी, जिसकी वजह से ये अब मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेहतर हो गई होगी माशाल्लाह। तो चलते हैं अंदर, तो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ जी कि क्या हिसाब किताब है और कैसी है वो कबूतरी। अब ये पता नहीं कबूतर कहाँ से गीला हो गया। ये जी हम आ चुके हैं जी दोस्तों अंदर, तो ये देख सकते हैं जी आप, बारिश तो हुई है पर माशाल्लाह अंदर पानी नहीं है, शुक्र है। नहीं दोस्तों, उसकी तबीयत तो मुझे ख़राब, नहीं नहीं ठीक हो गई दोस्तों। वो देखे उसने मुंह में पराली बिठाई है नीचे रखने के लिए अपने। तो देखते हैं अंदर दूसरा अंडा आया है या नहीं। तो नहीं दोस्तों जी, ये देख सकते हैं जी आप, एक ही अंडा है इसके नीचे, दूसरा अंडा ये बच्चे देख लेते हैं इसके। हटो जी, हम बच्चे देख लेते हैं। ठीक है जी, इसके भी बच्चे माशाल्लाह से। इधर दी, इधर तो फाइनली दोस्तों दो अंडे आ चुके हैं जी। इसने कल ही दे दिया था, तो मैंने जब वीडियो बंद की उसके थोड़ी देर बाद इसने अंडा दे दिया। इसके बच्चे निकलने वाले हैं ये शाम को या रात के टाइम पे दोस्तों, शाम तक या रात के टाइम पे दोस्तों पक्के ये बच्चे निकल ही आएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे ना बारिश की, वो देखें ज़रा ऊपर सारी जगह गिली हुई है। हाँ जी दोस्तों, आई है बारिश यहाँ पे, ये देखें ज़रा यहाँ से लीक हुई है। तो दोस्तों बाहर से छापर हम ठीक कर लेंगे, बाकी सारी जगह क्लियर, अब कहीं पे भी बारिश नहीं आई। अगर आई होती तो ज़मीन पे गिरती तो नज़र आ जाती, चलो थोड़ी बहुत ही है, कोई इतने मसले वाली बात नहीं। दोस्तों देख लेते हैं जी, अंडे क्रैक हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों ये देख सकते हैं जी आप, तो दोस्तों ये अंडे क्रैक एक तो मैंने देख लिया, हो गया वही बस। वही ठंडी बहुत जोर भी लग रही है ना मार भाई। दोस्तों ये भी अंडा क्रैक हो गया, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये खुद ही अपने निकाल लेगा बच्चे। तो दोस्तों हम एक कबूतरी की तरफ चलते हैं, इसका पोर्ट मैं देख लेता हूँ कि क्या हिसाब है। मैंने इसके अंडे रात को उठा के इधर रखे थे, तो ये आके बैठे थे, तो ये जो है ना ये मेल, ये आके बैठ गया था। तो मैंने कहा मुनासिब इसके अंडे हैं उसी के पास ही रहने, ना छेड़े ज़्यादा हम तो सही है। तो मैंने नहीं छेड़ा, फिर मैंने वापस कर दिया। तो दोस्तों लाइट तो चली नहीं, नीचे से ऑन नहीं हुए बटन, मैं भी नीचे वाल लगाता हूँ तो वो ऑन कर देंगे। दोस्तों देखे इसने कितनी बिठे कर दी है, इसका फिर से दोबारा से पराली चेंज होगी, पराली नहीं लानी पड़नी है, पराली तो मेरी ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों ये है जी, ये देखें जी मादी, ये मादी है इस मीनार की। तो दोस्तों हम ज़रा साइड पर करके ना ये बच्चे को, तो ज़रा कबूतरी की हालत देखें क्या हिसाब है। दोस्तों मुझे तो लगता है उसने ना सारा गलाच दिया, मैं मतलब के सारा अपना दाना पानी बाहर निकाल दिया। तो मैं ज़रा ना वीडियो अगर रोक के ना तो इसको पकड़ के इसका पोर्ट देखता हूँ, मुझे अगर हो गया तो मैं फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं जी, वो देखें जी आ रही है अंडे पे, अंडे पे तो बैठने अभी शुरू हो गई है, क्योंकि कल तक तो ये नहीं बैठी। इसको ना मैंने एक दवाई दिया, कैप्सूल दिया वेब्रामाइसिन का आधा, तो उसके अंदर काफ़ी दो तीन इलाज होते हैं जी, खांसी बुखार हो या खांसी लगी हो या नज़ला हो जानवर को, तो वो बहुत ना इमरजेंसी सा इलाज है, जिसकी वजह से ना ये देखें ये अपनी गर्दन के पीछे कर, नहीं दोस्तों इसको ज़रूरत है अभी दवाई की, तो इसके लिए ना मैं वो बेहतरीन ही दवाई लेके आता हूँ। तो ये देखें जरा कितने मज़े से इधर उधर देख रहा है, तो इसके लिए वो ज़रूरी है दवाई। तो दो तीन दिन देंगे इंशाल्लाह, आप उसके साथ भी शेयर करूँगा, दो तीन दिन देंगे तो फिर आपको भी रिज़ल्ट दिखाएँगे जी। तो फिर हम चलते हैं दाना पानी डालते हैं, वहाँ पे हमें बेहतरीन पता लगेगा कि ये ठीक हुई है या नहीं हुई। दाना पानी डालते हैं तो ये अगर ये उठ के आ गई फिर ये हम उसको छोड़ेंगे वहाँ पे, जिसने खाना शुरू कर दिया तो फिर समझ जाऊँगा, ये समझ जाएंगे कि जी कि बिल्कुल इसके अंदर थोड़ी ना तब्दीली आई है। ये अगर इसने दाना पानी नहीं खाना शुरू किया तो फिर ये नहीं जी, फिर ये बीमारी या फिर अभी ये आ गया जी मेरे पीछे, देख सकते हैं जी। तो ये आ गया, ये देखें ज़रा इसके काम देखें बस। अब आप ये देखें यहाँ से भी कितना पानी अंदर आया जी। तो बारिश फिर रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो दोस्तों एक मुर्गी भी हमारी बीमार है जी, उसके लिए दुआ करें जी, उसकी बहुत तबीयत ख़राब है जी। तो उसके लिए मैं ट्रीटमेंट तो उसका भी चल रहा है, उसको कल डॉक्टर के पास लेके गए थे तो जी उसने इंजेक्शन लगाए हैं, तो उसकी वह उसकी बात ना। तो ये देखें जी, उसके बाद वो जो ब्राउन वाली मुर्गी है हमारी, वाइट वाली मुर्गी ठीक, मैं आपको बाहर जाकर दिखाता हूँ कौन सी वाली मैं बता रहा हूँ। तो उसकी तबीयत जी बहुत ख़राब है, उसके लिए दुआ करें ताकि उसकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो चलते हैं फिर हम दोस्तों, इनको दाना पानी डालते हैं, तो मैं बाहर चल के आपको दिखाता हूँ कि कौन सी मुर्गी की मैं बात कर रहा हूँ।
और ये कबूतर जो है ना मुझे तंग करी जा रहा, उतर नहीं रहा मेरे ऊपर से। अब ये छोड़ दे, ये देखिए पीछे तो हटो, हटो। वो देखे पहली बारी में दोस्तों ये बाहर निकल आया और ये ऊपर बैठ गया। इतना ठंडा मौसम है, बारिश हो के हटी ही है, तो मैंने कहा चल इनको दाना पानी डालते हैं। ये देखें जी दोस्तों, ये देख सकते हैं इधर से दोस्तों, आपको पता लग जाएगा जी ये फुल भर गया, तो बारिश इतनी तेज़ हुई है। तो ये देखें ऊपर पानी भी कितना खड़ा है, तो ये भी देख लें जी, ये देखें कितना पानी खड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको ज़रा ना वो दिखाता हूँ अंदर से इसके। अच्छा इसने ये वाली मुर्गी ने अंडा दे दिया, तो चेक कर लेते हैं, मैंने पहले देखा नहीं। अब से जब का मैं ऊपर आया हूँ, मैं सीधा ही वीडियो बनाने में लग गया, तो चलते हैं देख लेते हैं जी अंडा आया कि नहीं आया, क्योंकि इसको दे देना चाहिए था अभी तक तो, क्योंकि इसने कल आगे नहीं दिया। तो नहीं जी दोस्तों आपके सामने ही है जी, इसने अंडा नहीं दिया। मुझे लगता है इसको बहुत ठंड लग रही है, इसकी वजह से अंडे नहीं दे रही अभी। कल परसों तो इसने दिया, आज फिर नहीं इसने दिया। तो चलें दोस्तों खैर है, कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, ना दे भी ना भी देगी तो कोई मसला नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ जौन सी मुर्गी बीमार है और जिसको मैंने नीचे लेके गया हूँ, उसका नर है वो सिर्फ अकेला ही है जो ऊपर है यहाँ पे पिंजरे में, ये वाले केज में। तो यहाँ पे भी काफ़ी बारिश हुई है, मैंने कल शीट लगा दी थी, तो अभी देख लेते हैं जी। तो हाथ पे भी पानी गिर गया मेरे, ये देखे पानी गिर रहा कैसे यहाँ से, अल्लाह ना ही करे कि अंदर पानी। चलो दोस्तों वो तो फिर वही हाल है, सारा अंदर पानी पानी हुआ है। थोड़ा दरवाज़ा खोल के देख लेते हैं जी दोस्तों, देखे सारी जगह हमारी गिली हुई गीली हुई है, वो जानवर तंग होगा इस तरह। तो दोस्तों इसका यहाँ से केज बदल लेते हैं, और मेरे पास कोई हल नहीं है इसका, इसका यहाँ से केज ही बदलना पड़ना है मुझे, तो इसका मैं केज बदलूँगा। तो ये है जी मुर्गा के कदन का खड़ा हो गया पीछे, इसका यहाँ से केज बदलते हैं। और इसका बेहतरीन हल कोई नहीं है मेरे पास, इसका मैंने यहाँ से केज उठा के ना किसी और जगह पर लगा देना, क्योंकि जानवर सर्दी की जो होती है ना ये धूप है, इनमें जानवर बीमार हो जाता है बहुत जल्द। और वैसे भी ना ये कुछ दिनों की और बात है, फिर ये बारिशें भी ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी जी। तो मैं इसको पिंजरा ज़रूर बदल के ना इंशाल्लाह यहाँ पर कहीं पर लगा दूँगा। मैं आपको डब्स के ना बच्चे दिखाता हूँ वीडियो रोक के। तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए आपको डब्स की अपडेट नहीं दी, तो चलिए दोस्तों मैं आपको दे ही देते हैं। तो दोस्तों ये देखें जी, ये दो बच्चे हैं ऊपर, तो ये दो बाकी सारे हैं जी देख सकते हैं जी आप। तो ये भी पिकेज बिल्कुल ठीक है, अभी ना दो डरे हैं कबूतर तो वो उड़ गए हैं, तो उड़ गए हैं तो पता नहीं कहाँ पे गए हैं, तो अभी देख लेते हैं उनको भी बाहर चल के। तो दोस्तों ये देख सकते हैं जी आप, ये एक बच्चा ये है, तो एक बच्चा दूसरा ये माशाल्लाह से ये है जी, ये देखे बोल रहा है। तो दोस्तों ये दो बच्चे हैं जी, बाकी वो देखे माँ बाप वो सब उधर है, मैंने इनको ढका हुआ, इनके लिए ना लाइट ऑन कर देते हैं ताकि लाइट में ये खाए भी हैं, तो मोजकने भी इनकी लाइट मैं नीचे से चलवा देता हूँ जी। तो ये चाबी उतार लेते हैं हम इस पे से ताले पे से, तो अब इसको हम करते हैं ये ऐसे करके ना इसको यहाँ पर उड़ा देते हैं जी। तो चले दोस्तों हम चलते हैं, मैं देखता हूँ बच्चे वो उतरे हैं, वो देखें वो जा रहे हैं दोस्तों, वो काफ़ी दूर उड़ के आए हैं जी, वो देखें वो कितनी दूर चले गए हैं, तो मुझे उन्होंने अब तंग करना है उतरने में, तो कोई नहीं वो देखें वो देखो बहुत दूर चले गए हैं, अब मुड़ेंगे तो यहाँ से फिर छेड़ लगी, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। ये देखें दोस्तों आगे ये आए हैं जी, ये देखें ये आ गए ढीले हो गए, अब बैठेंगे ये आ, 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 ये एक तो आ गया ये बैठ गया, दूसरा भी आ गया माशाल्लाह आ गए जी। चलो ठीक है सही है उतर गए। तो दोस्तों मैं वीडियो कट कर देता हूँ, लेंथ ही बहुत हो रही है, तो बल्कि रोक के ना मैं दाना पानी इनको डाल के सब कुछ करके फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ। कल भी मैंने एंड कर दिया था वीडियो को, पर आज नहीं करते, आज मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा बना। फाइनली दोस्तों मैंने ये दाना मिक्स कर लिया, तेल डाल दिया इसमें मछली वाला, ये देखें ये पड़ा तेल, मैंने ये तेल डाला है, तो अब इसको हम रखते हैं जी पिंजरे के अंदर ताकि स्पून से खा पी लें। तो दोस्तों बल्ब भी चल चुका है, तो देख सकते हैं जी आप, मैं भी इनको अपने अंदर करता हूँ। ये जो मुर्गी है इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, तो फिर इनको मैं क्या कहूँ, यहाँ पे तंग किया हुआ है इन्होंने बहुत ज़्यादा। चलो 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 चलो, तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसने देख लिया, हट जाओ इसने आगे मुझे क्या हुई जानवर का बंदा कुछ कह भी नहीं सकता है, इन्होंने क्या जानवर देखें जरा उसके काम, अभी ये चपेड़ मार के इसको सुट, वो देखें वो देखें जरा उसके साथ लड़ा, ये तुम्हारा मुर्गा नहीं है वो, क्या तुझे समझा भी रहा हूँ, चल यार तू अंदर तेरे पीछे ही वो पड़ा हुआ, चल जा जाके खा जा जा, चलो 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 डाल दिए दाना जाओ।
जाओ 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 खाओ जाओगे जाओ जाओ चलो 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 चाल अंदर चलो 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 ये जानने दे जाता है मुर्गा बहुत चलो 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 और चले भी जाओ और अंदर डाल दिया यार इधर आना चल उधर चल तो देखे ऊपर से भी एक उतर आया जी तब ये सब और देखे जरा मुर्गी भी लाड़ी एक टांग मारी ना तो वहीं पे पूरे हो जाओगे ज़रा आराम से बैठो तो दोस्तों ये कबूतरी रह गई सिर्फ इसको भी ताल लेते हैं हड्डा ला लेता हूँ ना डंडा ही नहीं है लड़ा ये लें जी वो उतर गई है अब इसको साइड से अंदर कर देंगे ये दो ब्लैक चलो चलो ओए होए चलो 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 हट चलो 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 तो दोस्तों देख लें वो कबूतरी बाहर नहीं निकली फिर भी मैं अंदर जाकर ना उसको इधर को भेजता हूँ ताकि वो आके खाए बाहर तो दोस्तों ये देखें आपके सामने बैठी हुई है तो ये उठ के नहीं गई इसको मैं ही निकालता हूँ बाहर तो ये देखें दोस्तों इसको छोड़ा है यहाँ पे तो मुझे लगता है इसने पानी पी के फिर खड़ा हो गया ना अंदर चला जाना नहीं पी खा पी रही इसलिए इसको ऊपर ने अंदर छोड़ा है वो खाने लगी थी दोस्तों दोस्तों इसका खाना बहुत ज़रूरी है माशा खा ले खा ले खा ले खाने लग गई दोस्तों यहाँ से पता लगता है जी इसमें थोड़ी बेहतरी आई है तो ये भैया खा रही है तो दोस्तों से नहीं खाया जा रहा वो जैसे ही मुँह नीचे करती है ये ले खाने लग गई शुक्र है हम इनको ज़्यादा छेड़ते नहीं है फिर थोड़ा बहुत तो खाएगी ना ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत तो खा ही रही है वो देखें दोस्तों ज़रा सा भी बेचारी एक को उंगली अपने मुँह से वो चोंच लगाती है तो वो फ़ौरन दूसरे पर उसके चोंच से ना जो पानी है ना जो उसने पिया हुआ है वो पलट के ना बाहर को आने की कोशिश हो जाती नहीं खा पाती वरना ये तो वो कबूतरी है जो दाना देख के पागल हो जाती है और छोड़ती ही नहीं है ख़त्म कर जाती है फटाफट खा जाती है तो वही कबूतरी है जी अब जो सुस्त पड़ी है तो कोई नहीं इंशाल्लाह दोस्तों ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है इनको लिए मैं जाऊँगा इसके लिए लेके आऊँगा वो क्या कहते हैं उसको सीरप तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लेंथी हो रही है इसको एंड करते हैं तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी ये पसंद आई होगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।